अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। मियां खलीफा को जानते हैं आप? मैं जी जानता हूँ। बड़ा हरामी हो। कौन है वो? कौम की बेटी है। क्या मैं क्या बोला तूने? कौम की बेटी है। अबे साले। ए आंखों लगे थे। सर मियां खलीफा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? सर दुबई में रहते हैं। माशाल्लाह चढ़े बहुत अच्छी है, सुनो पसंद है। सर मियां खलीफा को जानते हैं? जानना मैं। कौन है सर? तो मियां खलीफा जड़े ने दरबारे वाले मोड़ा शरीफ के खलीफा ने। म्यूजिक करीब से देखे कभी उसको? हाँ करीब से देखे। कितनी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। बेशरम आदमी। उसको देख के क्या महसूस हुआ था? बहुत अच्छी लगी है। कुछ महसूस हुआ था उसे देख? नहीं कोई चीज नहीं हुआ। कभी उसे टच किए? टच। बहुत चंगा नाम है। जॉनी सिंस कौन है? इमरान खान का बेटा। एक इंसान के अंदर कुछ शर्म होती है। क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए? जी हम उनको इनके मैसेज पे हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनको पाकिस्तान आने का वीजा मेरी तरफ से अगर वो आए। पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे? क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी उनके आने से? नहीं। जी बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। उसके बाद पाकिस्तान में रोजगार आएगा। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगी। जैसे लगता है शीश महल हो वैसे है वो। और क्या क्या खूबी है उसमें? उसमें बहुत अच्छी खूबियाँ हमने देखी हैं। हम गए भी हैं मतलब मियां खलीफा की कंट्रोल हमने देखा। अंदर ही चले गए। तेना ऊपर चढ़े। गेट खुला था? हाँ गेट खुला था। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्यो क्या लाना। तो सर आपको पता है वो काम क्या करती हैं? टपा डप टपा डप टपा डप। मियां खलीफा औरत नहीं, बुजुर्ग ने झाड़ी वाले बुजुर्ग ने सूफी ने। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रही हैं। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय।